ही है पुरानी, लेकिन इस मम्मी जी की एक नई है कहानी। मम्मी का स्टाइल तो देखो, मम्मी के जलवे तो देखो, मम्मी का नया रोल देखो। क्योंकि सास भी कभी बहू थी कि नंदिनी, अब एक जवान बेटी की मम्मी जी बन गई है। और हैरत की बात है कि इन्हें आंटी जी कहलाने से कोई एतराज नहीं। मेरी आशिकी तुमसे ही में ईशानी की मम्मी बनने जा रही हैं, क्योंकि की नंदिनी यानी की गौरी प्रधान जो 5 साल बाद टीवी पर शानदार वापसी कर रही है। जो आप देखते हैं नए नए लड़की लड़कियां बच्चे जो आ रहे हैं वो स्ट्रेट आउट ऑफ कॉलेज 15-16 साल के हैं, और इतने लोग हैं जिनको सबको एक्टर्स बनना है। तो अभी This is what is going to happen. अभी नहीं तो 6 महीने बाद होगा, लेकिन this is what is going to happen. और मेरा और एक था कि working hours का restriction था। लीड हीरोइन की स्टाइलिश मम्मी भले ही टीवी पर 5 साल बाद लौटी हैं, लेकिन अदाएं आज भी माशाल्लाह वही हैं। किसी एंगल से ये मम्मी जी लगती ही नहीं। पीच कलर की साड़ी, डायमंड ज्वेलरी, बालों में स्टाइलिश बन। अब आप ही बताइए, हमने आपको नहीं बताया होता तो क्या आप गेस कर पाते कि ये मम्मी जी हैं? मेरी आशिकी तुमसे ही में फाल्गुनी पारिक का किरदार निभाने वाली गौरी प्रधान अपने नए रोल को लेकर काफी एक्साइटेड है। और फिर रियल लाइफ में दो दो बच्चों की मम्मी जी बन चुकी गौरी के लिए मम्मी जी बनना काफी नेचुरल हो जाता है। बहुत डिफिकल्ट है, जो 3-4 दिन शूटिंग की है तो सुबह जल्दी 6:30-6 बजे उठना पड़ता है, देन आई हैव टू वर्कआउट, फिर मैं आके बच्चों को उठाती हूँ, उनको थोड़ा नहाना खिलाना, उनके साथ थोड़ा 1 घंटा स्पेंड करती हूँ, फिर 8 बजे तक मुझे रेडी होके ब्रेकफास्ट करते हुए निकलना पड़ता है टू रीच द सेट ऑन एट 9 o'clock, और शाम को 6 बजे निकल के 7 बजे घर पहुंचती हूँ, फिर उसके बाद वही 2 घंटे बच्चों के साथ, दे स्लीप अर्ली तो 8:30 बजे सो जाते हैं, फिर उसके बाद कुछ टाइम हितेन, और उसके बाद तो कुछ दिखता नहीं है, सिर्फ बेड दिखता है। टीवी पर वापस आ रही गौरी में हमने कई चेंजेस भी देखे। मैडम ने अपने दोनों हाथों पर अपने बच्चों का नाम गुदवाया है, एक हाथ में निवान तो दूसरे हाथ में कात्या। इनफैक्ट अब तो बच्चों और शूटिंग में शटल करना पड़ेगा उन्हें। शो के ग्रैंड लॉन्च पर रणवीर और ईशानी तो दिखे ही, साथ में ये मम्मी जी भी दिखी। और हाँ, शो की प्रोड्यूसर एकता कपूर भी दिखी जो इस नए शो को लेकर काफी एक्साइटेड हैं। I think मेरे को मुझे लगता है कि एक शो का USP उसकी स्टोरी होती है, अगर स्टोरी चल गई तो देन दैट्स हाफ द बैटल वन, देन ऑफ कोर्स इज अदर फैक्टर्स लाइक इफ देयर इज नो क्रिकेट मैच, बट द बिगेस्ट बैटल फॉर एनी प्रोड्यूसर एंड द बिगेस्ट बैटल फॉर टेलीविजन इज दैट वी डोंट हैव एनी स्टार्स ऑन टीवी। प्यार एक्चुअली सभी लोग कर लेते हैं आजकल, हर किसी को प्यार होता रहता है, हर दूसरे दिन प्यार होता है, फिर टूट जाता है, फिर वापस प्यार होता है, फिर वापस टूट जाता है, तो उसको प्यार कहते हैं, और आशिकी उसको कहते हैं, आशिकी होता है एक जुनून। कई सीरियल्स की लीड हीरोइन रह चुकी गौरी अपने नए रोल को लेकर बिल्कुल भी हिचकिचा नहीं रही, ये देखकर काफी अच्छा लगा। ABP News Report।